बास एक जादूगर थे चंग की चगलनबा अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए जब मरने को हुए तो लोगों से बोले मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सपाओगे कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बाँस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन लोगों ने उन्हें देखा पहले उनकी नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए बाँस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायात में होता है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सातों राज्यों में बाँस बहुत उगता है इसलिए वहाँ बाँस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे नागालैंड के निवासियों में बाँस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की बाँस की चीज़ें तभी से बन रही हैं आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं कहते हैं कि बाँस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने दलियानुमा चीज़ें बनाई होंगी क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो बाँस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती बाँस की खपचियाँ से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जैसे तरह तरह की चटाइयाँ टोपियाँ टोकरियाँ बर्तन रेलगाड़ियाँ फर्नीचर सजावटी सामान जाल मकान पुल और खिलौने भी असोम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है निचले नुकीले सिरे पर खपचियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं खपचियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं असोम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिखे दिख जाएंगे और हाँ उनकी पीठ पर टंगी बास की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त आम तौर पर वे एक से तीन साल की उम्र वाले बांस काटते हैं बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गाँठें दूर दूर होती हैं दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छील कर तैयार की जाती हैं खब्जियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बाँस को हर एक गठान में काटा जाता है लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि दो या तीन या चार गठानों वाली लंबी खब्जियाँ काटी जाएँ यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई एक इंच से ज़्यादा नहीं होती है चौड़ी खपचियाँ किसी काम की नहीं होती इन्हें चीर कर पतली खपचियाँ बनाई जाती हैं पतली खपचियाँ लचीली होती हैं खपचियाँ चीरना उस्तादी का काम है हाथों की कलाकारी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं इस सुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है यहाँ फिर दाव काम आता है खपची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में दाव का धार सिरा खपची को दबाए रहता है जबकि तर्जनी दावों के एकदम नीचे होती है स्थिति में बाएं हाथ से खपची को बाहर की ओर खींचा जाता है इस दौरान अंगूठा दाव की अंदर ओर की दबाता है और दाव खपची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है जब तक खपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती यह प्रक्रिया दोहराई जाती है इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल से लपेट कर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबा कर रखा जाता है बाँस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई पहले खपचियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है इससे चेक का डिज़ाइन बनता है पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह टूल बुनना हो तो हर एक बाना दो या तीन तानों के ऊपर और नीचे से जाता है इससे कई सारे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं टोकरी के सिर पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूथ लिया जाता है या फिर कटे सिरे को नीचे की ओर मोडकर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो पार्ट बीस अनोखा पुरस्कार